नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों आज है 29 नवंबर 2023, तो आइए शुरुआत करते हैं 29 नवंबर के इस सेशन को और देखते हैं इस सेशन में क्या इम्पॉर्टेंट है झारखंड करंट अफेयर्स रिलेटेड। इससे संबंधित हम लोग 5 प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखेंगे सेशन में, जैसा कि हमेशा करते हैं। वन लाइनर्स के फॉर्म में हर दिन रिवीजन का एक सेक्शन होता है, उसे भी हम लोग देखेंगे। अभ्यास प्रश्न भी होगा एक, जो आपके लिए होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। और सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। वापस हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के भी कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। शुरुआत अभ्यास प्रश्न से, और पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, पारंपरिक योग नामक योग पुस्तक का विमोचन 20 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी बाबा रामदेव, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ महतो। इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा यह विमोचन किया गया था पारंपरिक योग नामक पुस्तक का। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने इस पुस्तक का विमोचन यानी पारंपरिक योग नामक पुस्तक का विमोचन किया था जून में, और इसका विमोचन राजभवन में किया गया था। अगर इसके ऑथर की बात करें तो डॉक्टर परिणीता सिंह और अर्चना कुमारी, डॉक्टर अर्चना कुमारी, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की है। योग पर आधारित आपको बता दें कि डॉक्टर परिणीता की यह तीसरी पुस्तक है। इससे पहले भी 2 पुस्तक डॉक्टर परिणीता सिंह की आ चुकी है। इसमें जो पहली पुस्तक है योग एक दृष्टि में और दूसरी पुस्तक अभ्यासम, ये दोनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है जो योग से ही संबंधित है और डॉक्टर परिणीता सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। आइए अब झारखंड करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को देखते हैं, और इसके तहत पहला प्रश्न है, झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक को बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मनिका, ऑप्शन बी घाटशिला, ऑप्शन सी मधुपुर अथवा ऑप्शन डी सिल्ली। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मनिका, जो कि लातेहार जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों इससे संबंधित डिटेल्ड वीडियो, एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आइए इसे हम जान लेते हैं। 22 नवंबर को, जैसा कि आपको पता है, 23वां स्थापना दिवस था झारखंड विधानसभा का। इस अवसर पर बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से विधायक को सम्मान किया गया, जो कि परंपरा रही है झारखंड गठन के बाद से। आपको बता दें कि रामचंद्र सिंह को इस वर्ष यानी 2023 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इस पुरस्कार को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायक को 51,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया इस अवसर पर। रामचंद्र सिंह के बारे में आपको बता दें कि ये मनिका के विधायक हैं और वर्तमान वे कांग्रेस के विधायक हैं, और यह मनिका विधानसभा क्षेत्र जो है लातेहार जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। तीसरी बार वर्तमान में वो विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बने थे 1995 में RJD के टिकट पर, और दूसरी बार झारखंड गठन के बाद 2005 में, दोनों बार RJD के टिकट पर वे विधायक बने थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर वह विधायक बने हैं। वहीं स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार को भी वितरित किया गया इस अवसर पर। आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा कर्मियों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस वर्ष 6 विधानसभा कर्मियों को पुरस्कृत किया गया, और यह पुरस्कार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 6 विधानसभा कर्मियों को दिया गया। हेमंत सोरेन द्वारा विजेता को 21,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता श्री प्रकाश किस देश में यूरेनियम खनन पर अपनी नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2 इंडियंस की शूटिंग में व्यस्त हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया अथवा ऑप्शन डी इंडिया।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अमेरिका में वर्तमान में वो टू इंडियंस नामक एक फिल्म बना रहे हैं जो यूरेनियम माइनिंग पे आधारित है। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। श्री प्रकाश जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता हैं, प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक हैं, कई फिल्म वो निर्देशन कर चुके हैं। वर्तमान में यूरेनियम खनन यानी यूरेनियम माइनिंग पर आधारित अपनी नई फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है टू इंडियंस। आपको बता दें कि यह फिल्म दक्षिण पश्चिम अमेरिका के चार राज्यों पर आधारित फिल्म है, न्यू मैक्सिको एरिजोना, उटा और कोलोराडो। आपको बता दें कि इन चारों को न्यू मैक्सिको, एरिजोना, उटा और कोलोराडो को फोर कॉर्नर्स के तौर पर जाना जाता है और इसी एरिया में यूरेनियम माइनिंग को लेकर फिल्म बना रहे हैं श्री प्रकाश। आपको बता दें कि श्री प्रकाश ने इससे पहले कई यूरेनियम खनन के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना चुके हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में यूरेनियम माइनिंग के ऊपर उनकी यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले 2018 में यूरेनियम माइनिंग पर वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुके हैं जिसका नाम था नबिकी, और यह जो नई फिल्म बना रहे हैं दूसरी फिल्म यह है टू इंडियंस। नेक्स्ट प्रश्न है, आउटलुक आई केयर इंडिया रैंकिंग में झारखंड के IIM रांची को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां अथवा ऑप्शन डी 9वां। दोस्तों यह बिजनेस स्कूल्स को दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह जो रैंकिंग है बिजनेस स्कूल को दिया गया है झारखंड के IIM को और 7वां रैंक दिया गया है IIM को। आपको बता दें IIM को जो कि रांची में स्थित है 10 बिजनेस स्कूल्स में शामिल किया गया है आउटलुक आई केयर इंडियन रैंकिंग के द्वारा और टोटल 500 में से 447.76 अंक हासिल हुआ है IIM रांची को। वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो दीपक श्रीवास्तव हैं। IIM की बात करें जो रांची में स्थित है तो भारत में स्थित एक सार्वजनिक बिजनेस स्कूल है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और भारत का 9वां भारतीय प्रबंधन संस्थान था, यानी 9वां जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था तो वह देश का 9वां IIM था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, परंतु नेक्स्ट एक ईयर के बाद, एक साल के बाद 2010 में यहाँ क्लासेस यानी पहली बैच की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता महतो किस खेल से जुड़ी है जो इन दिनों चर्चा में है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी अथवा ऑप्शन डी रोल बॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिकेट। वर्तमान में वह गीता महतो ब्लाइंड क्रिकेट के लिए चुनी गई है, उनका चयन किया गया है। गीता महतो जो कि रांची की रहने वाली है एक ब्लाइंड क्रिकेटर है और इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में गीता महतो का चयन किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वह ऑनर्स हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। 11 से 15 दिसंबर 2023 तक ब्लाइंड वीमेंस इंटरनेशनल बायलेटरल सीरीज़ का आयोजन किया जाना है मुंबई में और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में। आपको बता दें कि इस दौरान 5 T20 मैच खेले जाएंगे जिसके लिए गीता महतो का चयन इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में किया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान 2023 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अंकिता सिन्हा, ऑप्शन बी मयंक मुरारी, ऑप्शन सी नंदा पांडे अथवा ऑप्शन डी मनोज कुमार कपरदार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मयंक मुरारी। आइए इसे हम लोग और डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान और स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान के लिए क्रमशः मयंक मुरारी और स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान के लिए अंकिता सिन्हा, श्रीमती नंदा पांडे और मनोज कुमार कपरदार का चयन किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान मयंक मुरारी को दिया गया है उनके संपूर्ण साहित्य के लेखन के लिए। डॉक्टर मयंक मुरारी को उनके लेखन के लिए जो भारतीय अध्यात्म संस्कृति के लिए वो जाने जाते हैं जिस पे वो अपनी बातों को लेखन के माध्यम से रखते हैं उसके लिए पुरस्कृत किया गया है।
वहीं दूसरे पुरस्कार स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान की बात करें जो उसी दिन दिया गया इसी संस्था के द्वारा, वो है अंकिता सिन्हा, श्रीमती नंदा पांडे और श्री मनोज कुमार कपड़दार, यानी तीन लोगों को स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अंकिता सिन्हा की अगर बात करें तो जमशेदपुर की ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कवित्री और लेखिका है, और अंकिता सिन्हा की तीन पुस्तक आकांक्षा, कोरोना काल और मेरी पुस्तक मेरी दुनिया मेरी माँ प्रकाशित हो चुकी है। अंकिता सिन्हा के बारे में आपको बता दें कि अंकिता सिन्हा देश की पहली ऐसी महिला है जो जम्मू कश्मीर में 370 जब हटाया गया था उसके बाद पहले गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर में लाल चौक पर झंडोत्तोलन करने का गौरव हासिल हुआ था अंकिता सिन्हा को। वहीं श्रीमती नंदा पांडे की बात करें तो वो एक कविता लिखती है, कवित्री है, और डॉक्टर मनोज कुमार कपड़दार की बात करें तो वह झारखंड के आदिवासी कला परंपराओं को रेखांकित करने के लिए जाने जाते हैं, यानी आदिवासी कला परंपराओं को संरक्षित करने के लिए वो पुस्तक लिखते रहते हैं और उसे जीवित रखने का कार्य करते हैं, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान से। आइए दोस्तों, अब बारी है इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को रिवीजन करने की, और इसमें हम लोग पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड से एकमात्र विद्यालय जिसे सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट यानी CED फाउंडेशन ट्रस्ट, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से 7-स्टार रेटिंग अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, यह स्कूल है दोस्तों DPS बोकारो, जिसे पुरस्कृत किया गया है CED पुरस्कार से। आपको बता दें कि भारत से चयनित 6 विद्यालयों में से झारखंड का यह एकमात्र विद्यालय था जिसे 7-स्टार रेटिंग अवार्ड से पुरस्कृत किया गया CED के द्वारा। झारखंड के किस जिले को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह जिला है कोडरमा, और कोडरमा में कोडरमा प्रशासन के द्वारा युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड से। अप्रैल 2022 में झारखंड के त्रिकूट पहाड़ियों में रोपवे पर केबल कार्स में फंसे 27 तीर्थयात्रियों को बचाने के वाले किस हेलीकॉप्टर पायलट को शीर्ष शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, यह है दोस्तों योगेश्वर के खंडालकर, जिन्हें पुरस्कृत किया गया था शौर्य चक्र से गणतंत्र दिवस के अवसर पर। भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र किस केंद्र को घोषित किया गया, इसका उत्तर है रांची मौसम केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है, यानी घोषित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की कितनी नदियों को सबसे खराब नदी बताई गई थी, इसका उत्तर है 9 नदियों को सबसे खराब नदी बताई गई, जिसमें 2 नदियों की स्थिति काफ़ी खराब है जो स्वर्णरेखा और हरमू नदी है। आपको बता दें कि स्वर्णरेखा की ही सहायक नदी है हरमू नदी, जिसे सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल किया गया है झारखंड का। बिरसा मुंडा के नाम पर किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, इसका उत्तर है उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया था, और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है जो कि राउरकेला में है, और यहीं पे इस वर्ष इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट का भी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया गया था। झारखंड के किस पर्वतारोही ने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू, जिसे कुतंग के नाम से भी जाना जाता है, को हाल ही में फतह किया है, इसका उत्तर है जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी, जो 8,163 मीटर तक बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के पहुंची थी, और कुछ दिनों के बाद यानी हाल ही में अस्मिता दोरजी ने हिमालय को भी फतह कर लिया है, वो भी बिना ऑक्सीजन के चढ़ना शुरू की थी, परंतु कुछ मीटर यानी एवरेस्ट पहुंचने से कुछ मीटर पहले ही उसे ऑक्सीजन सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ गई थी, लेकिन अस्मिता दोरजी ने फतह कर लिया था एवरेस्ट। भारत सरकार के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर इनोवेशन फॉर यू की पहल में झारखंड के किस महिला को जैव विज्ञान और जैव अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए देश भर के टॉप 75 वुमेन प्रेन्योर में चुना गया है, इसका उत्तर है रचिता कासलीवाल को।
झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है रांची में, और इसका उद्देश्य है देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करते हुए निर्यात को बढ़ावा देना और हर तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना। वैसे ये दोस्तों कई दिनों से इसका कार्य चल रहा है, लेकिन कई बार इसे रोका भी गया है। कितने आदिवासी रचनाकार को फर्स्ट जयपाल जूलियस हन्ना लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसके तहत 3 लोगों को सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी रेमन लोंगकू को, महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ को और दिल्ली की उगराव आदिवासी कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को फर्स्ट जयपाल जूलियस हन्ना लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, और आज का अभ्यास प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा झारखंड के किस गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कपिलो, ऑप्शन बी मैकलूसकीगंज, ऑप्शन सी मलूटी अथवा ऑप्शन डी उलियादू। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। आइए अब स्टैटिक जीके के हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं, और इसके तहत जो पहला प्रश्न है, महाश्वेता देवी का उपन्यास अरण्य अधिकार किस भाषा में लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी संथाली अथवा ऑप्शन डी हिंदी। इसका उत्तर है यह पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखा गया है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि अरण्य अधिकार बांग्ला भाषा में लिखा एक पुस्तक है, जो विख्यात साहित्यकार महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। महाश्वेता देवी को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया, अरण्य अधिकार के लिए। अरण्य अधिकार उपन्यास के बारे में आपको बता दें कि यह बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है, और एक्चुअल में जो इसका लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग जंगल का अधिकार है। महाश्वेता देवी जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, पद्मश्री से 1986 में सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार और एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैक्सेसे से 1996 में सम्मानित किया गया, और 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था महाश्वेता देवी को। आइए अब वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल जीके को देखते हैं, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? इसका उत्तर है दोस्तों दिनेश शारंगी। आपको बता दें झारखंड गठन के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें दिनेश शारंगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने थे, और बीजेपी के वह विधायक रहे हैं बहरागोड़ा से। 2005 तक वह विधायक रहे थे। इसके अलावा उनके पुत्र कुणाल सारंगी है, वो भी बहरागोड़ा से MLA रह चुके हैं भाजपा से। दूसरा प्रश्न है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड में गाँव को क्या उपलब्ध कराना है? इसका उत्तर है बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है सौभाग्य योजना का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उस समय के 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, और रघुवर दास के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि जो केंद्र की एक योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसी के तहत इस योजना को झारखंड में सौभाग्य योजना के तहत शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य झारखंड के सभी शहरी और गाँव के जो ग्रामीण गाँव हैं सभी घरों में बिजली उपलब्ध करना इसका उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2017 को किया गया था झारखंड में। अगला प्रश्न है, झारखंड गठन के समय झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड गठन के समय भी लोकसभा सीटों की संख्या 14 थी, और अभी भी 14 है, जिसमें 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए और 8 सामान्य सीटें हैं। आपको इसके बारे में बता दें कि 1971 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और आने वाले 2026 में इसमें बदलाव किया जाएगा। यह संवैधानिक प्रावधान है, और
यही कारण है कि झारखंड गठन के समय भी लोकसभा सीटों की संख्या 14 ही थी। वैसे लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में आपको बता दें कि जो अधिकतम संख्या है लोकसभा में वह 500 दोस्तों वो 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 सीट है, जिसमें से दो जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसे समाप्त कर दिया गया है, यानी वर्तमान में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में और लोकसभा में दोनों जगह पे जो एंग्लो इंडियन के सदस्य को मनोनीत किया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो सीट है उसे समाप्त किया गया है 104वें संविधान के द्वारा 2020 में, और विधानसभा में जो मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन का उसे 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में समाप्त किया गया है। प्रथम नागवंशी राजा किसके समकालीन थे? आपको बता दें कि प्रथम नागवंशी राजा जो थे वो थे फणिमुकुट राय, और उस समय पहली शताब्दी की बात कर रहे हैं तो उस समय कनिष्क का शासन था, और जो कुषाण वंश के राजा थे सबसे महान राजा माने जाते थे कनिष्क, उन्हीं के समकालीन थे प्रथम नागवंशी राजा फणिमुकुट राय। और फणिमुकुट राय के बारे में बात करें तो वो भी प्रथम शताब्दी में थे। राजा रोहन उनका 84 ईस्वी में हुआ था, और पुंडरीक नाग उनके पिता थे। और आइए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बता दें कि 2007 में धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और यह पुरस्कार 2007 में दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी को और जो प्रमुख पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में आपको बता दें कि 2009 में उन्हें पद्मश्री दिया गया, और 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे उत्तरी नदी कौन है, यानी वह नदी जो झारखंड के सबसे उत्तर में स्थित है? यह दोस्तों गुमानी नदी है। आपको बता दें कि गुमानी नदी की लंबाई काफ़ी छोटी है, लगभग 60 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, और यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है, यानी इसका मुहाना गंगा नदी है। और यह जो निकलती है इसका उद्गम है वो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मेरेल। यह था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।